भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 44। इससे पहले 2 श्लोकों में हमने ऐश्वर्य और स्वर्ग में लगने वाली और वेदों में वर्णित मनमोहक फल देने वाली बुद्धि परमात्मा में क्यों नहीं लग सकती, इसका विवेचन किया था। वर्तमान श्लोक में इसका विस्तार किया गया है, साथ ही भोग ऐश्वर्यों की परिभाषा पर भी विचार करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, भोगैश्वर्ये प्रसक्तानां तया अप्रतिचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। विस्तार से जान लेते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, those who are attached to enjoyment and wealth, तया उस पुष्पित वाणी से, by such flowery words, अप्रचेतसाम, जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, bewildered in mind, व्यवसायात्मिका, एक निश्चय वाली, resolute in determination, बुद्धि, इक्विपॉइज माइंड, समाधौ परमात्मा में, इन समाधि न विधीयते, नहीं होती, डज नॉट रेस्ट इन। ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। इंग्लिश, those in wealth and pleasures fee minds by such words held in glee develop not a resolved mind tuned to inner self in samadhi। पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है कि स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, कल्प वृक्ष है, नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त भोगों की तरफ खिंच गया है, उसे तया अप्रत चेतसाम कहा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इंद्रियों के 5 विषय तथा शरीर का आराम, सम्मान और बड़ा नाम, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए पैसे, गाड़ी, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति होती है, उन्हें भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है। ऐसे लोग असुर यानी राक्षस की श्रेणी में आते हैं। असु का मतलब है प्राण, और असुर वह होते हैं जो सिर्फ प्राणों का पोषण और शारीरिक सुख के लिए जीते हैं। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि इन लोगों में नहीं होती। जो भोग भोगे जा चुके हैं और जिन भोगों के बारे में सुन रखा है, उनके लिए दिन रात सोचने के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा निश्चय नहीं होता। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है और प्रत्येक कर्म अपने तथा दूसरों के हित के लिए करता है, वह दूसरों के सुख से सुखी और दूसरों के दुख से दुखी होता है, उसमें भोग की उतनी प्रबल इच्छा नहीं रह जाती। सुख के साधनों और परमात्मा प्राप्ति में कोई विरोध नहीं है, परंतु जब सारी बुद्धि भोग सामग्री के संग्रह, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदर्शन में लग जाती है, तो परमात्मा के बारे में सोचने के लिए बुद्धि बचती ही नहीं। जिस प्रकार जाल में फंसी हुई मछली तैर नहीं सकती, उसी प्रकार ऐश्वर्य में लगा हुआ मन
परमात्मा के बारे में नहीं सोच सकता। मन के ऊपर छाए हुए शब्द रस और रूप गंध, मन के ऊपर छाए हुए शब्द रस और रूप गंध, स्वर्ग अमृत सुरापसरा भोग रोग बुद्धि कुंद, स्वर्ग अमृत सुरापसरा भोग रोग बुद्धि कुंद, चेतना सब हर ली गई संग्रह करके मती अंध, चेतना सब हर ली गई संग्रह करके मती अंध। जाल भीतर मछली बंद नहीं तैर पाए जैसे, जाल भीतर मछली बंद नहीं तैर पाए जैसे, मन की शक्ति फैली हुई ध्यान लग पाए कैसे, मन की शक्ति फैली हुई ध्यान लग पाए कैसे।